नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 28 जनवरी 2020 और यहां पर स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जो स्टॉक्स मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्री स्टार सेक्शन में देता हूं, जो टेलीग्राम पर देता हूं लाइव मार्केट में, साथ ही अपने वेबसाइट पर पोस्ट करता हूं, उसने कैसा आपके लिए परफॉर्मेंस किया, किसमें टारगेट आया, किसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले विप्रो का स्टॉक दिया था मैंने अपने थ्री स्टार सेक्शन में, अपने यूट्यूब चैनल के थ्री स्टार सेक्शन में जो तीन स्टॉक्स लेकर आता हूँ उसमें पहला स्टॉक था विप्रो का। तो चलिए विप्रो का परफॉर्मेंस आज का देखते हैं। शुरू के 5 मिनट के कैंडल को इग्नोर करते हैं, जैसा कि रूल है तो इग्नोर हो गया हमारा ये कैंडल। बाय करना था 247 के ऊपर, 247 के ऊपर गया नहीं, बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। सेल करना था 244 के नीचे, तो आपने इस कैंडल पे सेल किया। बिल्कुल देखिए ये पहली कैंडल इग्नोर होगी, यही ना, सॉरी ये नहीं, यहाँ है ना 244 के नीचे, तो यहाँ 244 आपको यहाँ कहीं पर इस कैंडल पे आपने सेल किया, ठीक है, इस कैंडल पे आपने सेल किया। और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस था 246 का था वो तो हिट नहीं हुआ हमारा, दिख रहा है। और पहला टारगेट जो था इस मामला में हमारा 242 का था, तो चलिए 242 का देख लेते हमारा टारगेट आया या नहीं आया। तो देखिए एग्जैक्ट 241.85 का इसने लो लगाया और वहां से फिर ये अपसाइड में चला गया, यानी एक टारगेट इसने बहुत अच्छे तरीके से आपको अचीव करके दिया विप्रो, तो विप्रो में आपको प्रॉफिट आया। दूसरा स्टॉक मैंने ग्रासिम का दिया हुआ था दोस्तों, तो चलिए ग्रासिम को भी देख लेते हैं। ग्रासिम ने क्या किया, बाय करना था 816 के ऊपर, सेल करना था 808 के नीचे। पहली कैंडल इसको इग्नोर करेंगे, 816 के ऊपर बाय करना था, तो जब ये 816 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ से अगर आपने बाय किया 819 के पास से तो आपको सीधे सीधे आपको यहाँ 822 पहला टारगेट, दूसरा 828 था, तो 822 का टारगेट तो इसने अचीव कर दिया। हाई लगाया इसने 824 रुपये के आसपास का, तो एक टारगेट बाय साइड का भी इसने डन कर दिया। सेल करना था दोस्तों 808 रुपये के नीचे, अगर आपने सेल साइड पोजिशन लिया है 808 के नीचे, यहाँ पे इस कैंडल पर आपने सेल किया हुआ है, इस कंडीशन में पहला टारगेट जो था 802 रुपए का था, तो 802 रुपए का टारगेट आपको यहाँ पे मिल गया। दूसरा जो टारगेट था हमारा 796 का था, तो इसने 797 का लो लगाया, तो लगभग लगभग दो टारगेट सेल के भी दे दिए। विप्रो ने एक टारगेट सेल का दिया और ग्रासिम ने एक टारगेट बाय का दिया, दो टारगेट सेल का दिया। तीसरा स्टॉक रिलायंस था दोस्तों, चलिए रिलायंस देख लेते। रिलायंस को बाय करना था 1513 रुपए के ऊपर, बाय ऑर्डर नहीं गया, 1513 के ऊपर गया नहीं तो बाय ट्रिगर नहीं हुआ। सेल करना था दोस्तों हम लोगों को 1505 के नीचे, तो 1505 के नीचे अगर आपको सेल करना था 1505, देखिए यहाँ पे आपको मौका मिला 1505 पर यहाँ सेल करने का, और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 1512 का था, वो तो ऐसा हिट नहीं हुआ हमारा। तो बाकी जो टारगेट है तो टारगेट आपके सामने ओपन है सारा, 1498 का पहला टारगेट था अचीव हो गया, दूसरा टारगेट था 1491 रुपए का अचीव हो गया, तीसरा टारगेट था 1484 रुपए का वो भी अचीव हो गया, तीनों टारगेट डन हो गए, स्टॉक और भी नीचे गया। तो आज आपने थ्री स्टार सेक्शन के तीनों स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट बनाया। इसके अलावा जो स्टॉक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए मॉर्निंग में ये लिंक पोस्ट करता हूँ, यहाँ इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे दो तीन स्टॉक में पोस्ट करता हूँ, जिसमें आज पहला स्टॉक पीडी लाइट था, पीवीआर था और टाटा स्टील था, ये तीन स्टॉक था है ना, टाटा स्टील, पीडी लाइट और पीवीआर, ये मेरा वेबसाइट है। तो इस तीनों के रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग, इस तीनों का रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया था टाटा स्टील का, तो टाटा स्टील का रिजल्ट चेक करते हैं। बाय करना था 464 के ऊपर, ये पहली कैंडल है इग्नोर हो गई, 464 के ऊपर गया नहीं तो बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। सेल करना था 459 के नीचे, तो बिल्कुल आपने देखिए यहाँ पर सेकेंड कैंडल से सेल किया है 459 के नीचे, यहाँ से यहाँ पर सेल किया है और टारगेट 456 का पहला टारगेट था अचीव है ना, 456 का पहला टारगेट अचीव, दूसरा टारगेट 453 वो भी अचीव, और तीसरा टारगेट 450 का वो भी अचीव, सारे टारगेट अचीव हो गए, उसके स्टॉक नीचे गया नहीं, आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया। दूसरा स्टॉक दिया था पीवीआर का, तो पीवीआर भी चेक कर लेते हैं। पीवीआर को बाय करना था दोस्तों, देखिए मैं अपना स्टॉप परफॉर्मेंस रिव्यू खुद अपना रिव्यू मैं खुद करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे को मौका मिले मेरा रिव्यू करने का, मैं अपना रिव्यू खुद करता हूँ। इससे क्या होता है ना कि मुझे अपना डेप्थ पता चलता है ना, मुझे अपना डेप्थ पता चलता है कि मैं खुद
आंक सकूं अपने आप को कि मैं कहां तक हूं। इस वजह से मैं अपना रिव्यू खुद करता हूं। चलिए 28 तारीख का ये पहली कैंडल पीवीआर का इग्नोर कर दिया। 1975 के ऊपर बाय करना था, बायोडेट ट्रिगर नहीं हुआ। सेल करना था 1956 के नीचे। 1956 के नीचे आपने कहां यहां पे सेल किया इस कैंडल पे। पहला टारगेट था 1947 रुपए का, वो आपको यहां अचीव हो गया 1947 का। दूसरा टारगेट था 1938 रुपए का, वो अचीव हो गया 38 रुपए का, 38 का। तीसरा टारगेट था 1929 रुपए का, तो वो भी आपको यहां पे अचीव हो गया। सारे टारगेट अचीव हो गए। उसके बाद भी स्टॉक काफी नीचे आया है ना, तो इसके बाद भी स्टॉक काफी नीचे आया, लगभग 1920 का लो लगा, अच्छा प्रॉफिट बनाया। तीसरा स्टॉक दिया था पीडी लाइट का, चलिए अपने वेबसाइट पे पीडी लाइट का दिया था। पीडी लाइट को बाय करना था 1482 के ऊपर। 1482 के ऊपर ये स्टॉक्स नहीं गया, तो बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। सेल करना था 1470 के नीचे। पहली कैंडल को इग्नोर किया, 1470 के नीचे अगर आपने सेल किया यहाँ कहीं पे, तो सीधे सीधे लो लगा हुआ 1460 का, और हमारा पहला टारगेट ही था 1463 का। तो एक टारगेट तो इसने यहाँ भी डन कर दिया। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको इसमें मौका नहीं मिला होगा ट्रेड करने का, इसमें आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिला होगा। अगर आपने किया होगा तो ये ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पे तो सेल का ऑर्डर मौका ही नहीं मिला ना, ये तो पहले ही काम खत्म कर दिया, तो इसमें आपको एसएल कट गया होगा। अगर आपने यहाँ पे कहीं सेल कर दिया होगा ना, ये सोच के कि प्राइस आ गया है और सेल कर दिया होगा, तो आपका पक्का इसने एसएल काटा होगा। ठीक है, अगर एसएल कितना था हमारा, एसएल था 1965 रुपए का, तो देखिए बिल्कुल काट दिया होगा। हाँ बिल्कुल काटा होगा, पीवीआर ही है ना, पीडी लाइट है ना, पीडी लाइट 1477 का, तो 1470 यहाँ है ना एसएल काट दिया होगा। दोबारा से अगर आपने उसको जब 1470 ब्रेक किया तब आपने अगर सेल किया हो, तब तो हो सकता है आप बच गए हो और नीचे अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया हो। तो दोस्तों ये मेरा हुआ जो मैं यूट्यूब चैनल के 3 स्टार सेक्शन में देता हूँ, साथ ही अपने वेबसाइट पर देता हूँ जिसका लिंक मैं टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ। अब लाइव मार्केट की बात करते हैं। कॉल सिप्ला का सेल दिया था 9:28 पे, तो चलिए 459 के नीचे सिप्ला को चेक कर लेते हैं। अब ये जो लाइव मार्केट में देता हूँ उसका देख लेते हैं। सिप्ला को 9:28 पे, यानी कि 25-26 इस कैंडल पे दिया था, इस कैंडल पे सेल करने दिया था 459 के नीचे, तो 459 के नीचे आया ही नहीं उसके बाद, है ना, उसके बाद तो ये ऊपर ही चला गया, तो हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हुआ। दूसरा स्टॉक्स दिया था टाइटन को 1223 के ऊपर, तो इसमें भी टाइटन को 1223 ये भी ट्रिगर नहीं हुआ था और ये नीचे चला आया, बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, ये नीचे चला आया टाइटन। चलिए चेक कर लेते हैं कितने बजे दिया था, वो भी देख लेंगे। 9:31 पे दिया था, तो 9:31 पे टाइटन को 30-35 ये इस कैंडल पे कहीं दिया था 1223 के ऊपर, तो 1223 के ऊपर उसके बाद गया ही नहीं, तो हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, तो नीचे आया तो छोड़ दिया उसको हम लोगों ने। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल को सेल करने दिया था 9:39 पे 1696 के नीचे, तो नहीं आया। उस वक्त क्या हुआ, वो ऊपर चला गया, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे दोबारा से एडिट कर दिया दोस्तों। काइंडली अपडेट अपोलो हॉस्पिटल का लेवल 11:30 पे, और अपोलो हॉस्पिटल में टारगेट हमारा डन हो गया। ठीक है, आप अपोलो हॉस्पिटल में टारगेट देख सकते हैं, जो एक टारगेट था कम, एक टारगेट क्या, शायद दोनों टारगेट हम लोग देख लेते हैं। 1696 के नीचे सेल करना था अपोलो हॉस्पिटल, टारगेट था 1684 तक का, तो चलिए चेक करते हैं अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल चलिए 11:30 मैंने अपडेट कर दिया था लेवल, 1696 के नीचे आपको सेल करना था 11:30। यहाँ देखिए 1696 के नीचे जैसे निकला काफी तेज डाउनफॉल हुआ, और हमारा 1683 तक का लेवल था, तो इसने तो सारे लेवल अचीव करके दे दिए। 1675-70 तक का लो लगा के चलाया ना, 74 तक का सारे टारगेट अचीव हो गए। इसके अलावा जो स्टॉक दिया था और रैमको सीमेंट को 868 के ऊपर बाय करने का, तो चलिए रैमको को देख लेते हैं। रैमको सीमेंट 868 के ऊपर कितने बजे दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। रैमको को बाय करने दिया था 10:03 पे, 10:03 10:03 ये है ना, इस कैंडल के आसपास दिया था 868 के ऊपर, तो 868 के ऊपर बाय करने दिया था ना, यहाँ हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर हो गया 868 10:03 ना, बिल्कुल। और इसमें हमारा एसएल कट गया, इसमें हमारा एसएल कट गया रैमको में, एकदम खत्म कहानी, इसका लॉस हो गया इसमें। और कोई स्टॉक दिया था नहीं, तो दोस्तों आपने प्रॉफिट आज बनाया किसमें, विप्रो में, पीडी लाइट में, पीवीआर में, ग्रासिम में, रिलायंस में, टाटा स्टील में, और इधर बनाया अपोलो हॉस्पिटल में।
जो लॉस हुआ है आपको, तो लॉस आपका हो गया रैमको सीमेंट में। तो ओवरऑल दोस्तों ये था मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर ईमानदारी से क्या लगता है तो वीडियो को जरूर पसंद कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।